तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मंदिर है हलेश्वर नाथ का, इसके जस्ट बगल में यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आपको डीपली इसके इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करें। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, नमस्कार भैया, ये जो हलेश्वर नाथ मंदिर है काफी पुराना प्राचीन मंदिर है, थोड़ा इसके बारे में चाहूंगा डीपली आप बताइए। ये मतलब बाबा जो है, बाबा महादेव को जो है हलेश्वर नाथ के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो है गिरमिसानी, फतेहपुर गिरमिसानी के नाम से जाना जाता है जी। और सीतामढ़ी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। अच्छा अच्छा, और यहाँ जो है त्रेता युग में लंकाधिपति रावण अपने राज्य सीमा के अंदर वन में तपलीन ऋषि मुनियों से कर लेने के लिए अच्छा अपने रावण अपने अधिपत्य सेनापति को भेजा। अच्छा, और भेजने के क्रम में उनसे कहा गया है कि वहां जाने के बाद जो ही ऋषि मुनि तप करते हैं उनसे आप कर के रूप में लेकर आओ। अच्छा, कर वसूलने के लिए। कर वसूलने के लिए। अच्छा, तो ऋषि मुनि के पास कर तो था नहीं। अच्छा, एक कंद मूल फल खा करके और ये जो है अपने रहते थे और ईश्वर की मतलब की सेवा आराधना में लगे रहते जी। और इसके उपरांत जो है जब इन्होंने रावण के जो अनुयायी थे ये लोग मतलब घोर आक्रमण मतलब उन पर दबाव दिए। अच्छा, ऋषि मुनियों पे। ऋषि मुनियों पर दबाव दिए, तो दबाव देने के उपरांत जो है ये अपने हिस्से के खून जो है अपने शरीर के अंदर का जो है खून कर के रूप में उन्होंने दान। अच्छा, खून देने लगे। हाँ, खून। अच्छा, वो खून जो है एक घड़ा में रखा गया। अच्छा, वो खून जो है एक घड़ा में रखा गया और इसके बाद जो है किताब देखे ले चुके हैं, पूरा डीपली इसमें दिया गया है, समझ सकते हैं इस मंदिर का। लंकेश के राज्यसभा में उपस्थित करते हुए ऋषि श्राप को कहा गया कि यह रावण श्राप मात्र से रावण सशंकित होते हुए उस घड़ा को अन्य राज्य के सीमाओं के अंदर मतलब कि दाखिल कर दिया ताकि अच्छा, उससे हमको किसी प्रकार का हानि नहीं। अच्छा, एक बार भगवान शिव जी के सभा में वेदांता विचार से रावण राजा जनक जी ने बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे, फलतः इनके अंतःकरण से प्रतिशोध की अग्नि सशंकित हो गई, रावण को सशंकित होना पड़ा। अच्छा, राजा जनक के प्रभाव से उनके वाक्यों के विचार से जो है रावण प्रभावित हो गए और इस दृष्टि अवसर पर उसने देखा कि श्रापयुक्त घड़ा है जहां रहकर उनकी जो है अपूर्णीय क्षति होगी। रावण ने समझा कि अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए अपने राज्य से निकालकर दूसरे राज्य में वो अच्छा लखवा दी और इसमें प्रेरित हो गए, जिसमें परिणाम स्वरूप संपूर्ण मिथिला में घोर अकाल पड़ गया। अच्छा, अंधवृष्टि से मिथिला वासियों में त्राही त्राही मच गई, लोग अन्न और जल के अभाव में दम तोड़ने लगे, सब जीव जंतु बिल्कुल व्याकुल हो उठे, बाग बगीचा मुरझाने लगे, उनका जो है सुंदरता प्रचंड किरणों से तथा मतलब हर चीज का अकाल पड़ गया था, वाष्पीकरण से ऊपर की ओर उड़ने लगा। अच्छा, इन तरह की मतलब की जो है व्यधान विधि होने लगी। उसी समय मिथिला में महाराजा नीम के वंशज हर्षरोम के पुत्र जो है शिरध्वज राज्य कर रहे थे, जिनकी जनक और विदेही की उपस्थिति थी, मिथिला वासियों के नियंत्रण 12 वर्षों तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, रामचरित मानस में वर्णित है कि आयुध रज प्रिय प्रजा दुखतो सो चुप अवश्य करके अधिकारी, यानी कि आग्रह जिसके राज्य में जनता दुखी रहती है। अच्छा, वो राजा अवश्य ही घोर नरक को भोगने वाला होता है। अच्छा, कहना था कि जिसके राज्य में जो है प्रजा दुखी रहती है वहां पर घोर मतलब की जो है वो अन्याय होता है। अच्छा अच्छा, इस नरकीय यातना प्राप्ति के सिवाय उन्होंने कुछ हाथ नहीं आया, प्रजा के दुख सुख पर भी राजा का सुख दुख निर्भर करता है। ऐसी विकट परिस्थिति में राज्य श्री जनक जी अपने राज्य में विद्वानों और महर्षियों द्वारा ज्योतिर्लिंग की आपातकालीन एवं आपातकालीन सभा बुलाकर भीषण अकाल को विभिषका से श्राप पाने के उपायों को विचार करने लगे, यानी सभी राजाओं ने मिलकर आपस में विचार किए कि ताकि इसको जो है
मुक्ति किया जाए, ताकि हमारे राज्य में जो है जल का या बारिश का मतलब आगमन हो। और इसीलिए पवित्र गीता में भी कहा गया है कि यज्ञता भवती पर्यंत पर्याप्त अन्य संभव, यानी कि यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न किया गया कि जनक जी महाराज की हलस्ती यज्ञ करनी चाहिए और स्वयं इन्हें जमीन में हल जोतना चाहिए। अच्छा, इसके निर्माण शोध के आधार पर उपयुक्त स्थान पर चयन किया गया। अच्छा अच्छा, इस स्थान का यज्ञ हेतु चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि इस स्थान पर जो है भगवान शिव ने परशुराम जी को शस्त्र विद्या की शिक्षा दिए थे। अच्छा, निशानी जो है यहाँ पर शस्त्र विद्या की शिक्षा परशुराम को शिव जी दिए थे। स्थल आज हलेश्वर स्थान फतेहपुर निशानी के नाम से विख्यात है। पूरे भारतवर्ष में बृहत पुराण विष्णु पुराण के नीचे अंकित श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराजा शिरध्वज रानी सुनैना सहित सहस्त्रवाद 88,000 ऋषियों के साथ अपने दुर्ग के जलेश्वर नाथ से पश्चिम भाग में 3 योजनाओं के बाद हलेष्टी यथार्थ वर्तमान हलेश्वर स्थान पधारे थे। तदांतर विधिवत हलेष्टी यज्ञ संपन्न हुआ और इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई और इस अवसर पर भगवान शिव पार्वती स्वयं प्रकट हुए। अच्छा। और इनका परिणाम यह रहा कि विदेही राजा जनक जी ने शिव जी के सभा में शतार्थ में रावण को पराजित किया था। महर्षि जनक जी स्वर्ण निर्मित हल एवं विशंभो से जमीन जोतनी आरंभ की तथा हल जोतने के क्रम में बाबा हलेश्वर नाथ की असीम कृपा से एक घड़े से जगत जननी माँ जानकी धरती से प्रकट हुई। अच्छा, तभी से इस महादेव जी का नाम हलेश्वर नाथ। अच्छा, ये मंदिर यही है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये मंदिर है। यहीं से जैसा कि इन्होंने काफी बारीकी से एक बुक के माध्यम से बताया, और ये हलेश्वर नाथ मंदिर का यही एक इतिहास यहाँ पे है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको कवर करने की कोशिश किया, और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।